सही बात है, भैया के मुस्कुराने वाली शक्ल को रिकॉर्ड कर। सेम डे पड़ी थी, सेम टाइम पड़ी थी। तो गाइस चुलबुल आ गया अपना, कुछ करके दिखाएगा। दोस्तों स्वागत है फिर हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों हम जा रहे हैं कॉलेज इनको छोड़ने, क्योंकि इनका आज प्रैक्टिकल, इनका प्रैक्टिकल देखिए आज पूरा वाइट वाइट, इस कॉलेज का ड्रेस ही वाइट है पूरा। और चलिए छोड़ के आते हैं, बगल में ये ज़्यादा दूर तो है नहीं, जैसे 1-1.5 किलोमीटर पे है कॉलेज, और हम जाते हैं छोड़ के आते हैं। मुझे शॉप पे भी जाना है अभी, और इनका प्रैक्टिकल भी हो जाए अच्छे से। देखिए बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई है, और देखिए पूरा हरा भरा बादल एकदम मस्त। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा हो चुका है, जैसा लगा कि काफ़ी बारिश हल्का फुल्का हुआ है, ये मौसम अच्छा है। सो गाइस मौसम कितना मस्त हो रखा है, बारिश हो रही है, अब बारिश तेज हो ही नहीं रही है, झिमझिम बारिश भी हो रही है, और ऐसे मौसम में तो चाय और पकौड़ी होनी चाहिए। हम कहाँ खाए थे, हम तो नहीं मिला था, कहीं गए हुए थे यार, कहाँ तो गए थे पर याद नहीं आ रहा कहाँ गए थे। तो गाइज आज हम जा रहे हैं मैगी बनाने, बच्चों के डिमांड पे तो चल रहे हैं मैगी बनाने। अभी मम्मा तो बोल रही चिकन बन रहा है, तो मैगी कहाँ से बनेगा, दोनों आइटम बनेगा। हाँ बनेगा, अरे ड्राई क्यों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं मैगी बनाने, जैसे मामा बनाते वैसे रोज। देखिए गाइज मामा यहाँ पर मैगी बना रहे हैं, जिनको मैगी का पैकेट हमारा दो दो मैगी पैकेट, क्योंकि ये लंबी फैमिली है, एक पैकेट में होगा नहीं, इसलिए दो दो पैकेट बनाना पड़ता है। अब पहले तो एक पैकेट में बनाते थे, नहीं वो इससे बड़ा पैकेट आता था। हैं कैसे, इससे बड़ा पैकेट आता था। अच्छा यहाँ पे भैया बना रहे हैं आज मैगी, इनका वेडनेसडे का रूटीन हो चुका है मैगी बनाने का, पिछली बार भी वेडनेसडे को ही बना था, और ये हमेशा किचन में ही दिखती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। नहीं नहीं बच्चों का डिमांड तो पूरा करते हैं, सही बात है, बच्चों का डिमांड पूरा करते हैं, बच्चों को सर। दीदी हाइट छोटी होने की वजह से बीवी को भैया से चाय पत्ती मांगना पड़ा, कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है, नहीं पी है ना, हाँ नहीं तो कॉम्प्लेन नहीं पी मैं भी, कौन सा। सही बात है, भैया की मुस्कुराने वाली शक्ल को रिकॉर्ड करते हैं। आठ भैया क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या मुस्कुराने की वजह तुम हो। ऐसा तो नहीं कि आपका भी कोई सीक्रेट मसाला है, जैसे दीदी ने सीक्रेट वो डाला था, पता नहीं क्या। हमारा कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, मैगी का ही मसाला है। अच्छा बस मसाले का भूनने का तरीका अलग है, मसाला भूनने का तरीका अलग है भैया का। अच्छा ठीक है चलो, एक साइड पे चाय बन रहा है, हमारे घर में इतना चाय बनता है, फिर भी कम है सही बात है। अगर एक बच्चे को पता चल गया घर में कि भैया मैगी बना रहे हैं, सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। नहीं नहीं बच्चों के सोर्स ज्यादा तेज है ना, इसलिए व्यूवर्स कहेंगे, सब सब बाकी लोग कहेंगे कि ये जो मैगी बनाते हैं तभी किचन में एंटर करते हैं क्या। नहीं खाना लेने भी एंटर करते हैं, खाना लेने कब, हाँ नहीं करते क्या, सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक कर दी है। पापा और भैया ये दोनों कभी नहीं, भैया ये वाला क्लिप कट मत कीजिएगा, बहुत रेयर केस में ये लोग खाना लेने एंटर करते हैं, बहुत रेयर। जब देने वाले हैं तो फिर कैसे ले लें, जब नहीं कोई रहा है तो उस कंडीशन में ले लेते हैं, तो हम लोग बेसब्री से So guys, मेरा मैगी बन चुका है, पसीना पसीना हो गया है पूरा, और देखिए इधर सब ढोक कर रहे हैं मैगी का।
तो वॉल्यूम करो। तो सोनम बताया कि कैसा बना है? मस्त। तो देखिए हम पसीना पसीना के बनाने में और सारे लोग खा रहे हैं। ये वेडनेसडे पर फ्री रहते हैं तो हम इससे बनवा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों खाना ने खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चिकन मैगी भैया के उसमें अंडर में हो गया है भैया। क्या चिकन सत्तन के यहाँ भट्टी पे बनाया? अच्छा, बहुत टेस्टी बना। तो गाइस पंछी को बिलेटेड गिफ्ट मिला बर्थडे। ये शूज पहना है, जानती हो बरसात के टाइम घूमने लायक है। अभी रैंबो वाला सीजन चल रहा है, मस्त लगेगा उसके रिकॉर्डिंग ड्रेस। सो गाइस ये पंछी को मिला है गिफ्ट, इनकी नानी गिफ्ट दी है। बोल रहा है कि ये स्पोर्ट्स ड्रेस हो जा रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है। कभी बरसात में घूमने जाएगी ना, देख पहन जाना। नहीं नहीं, इसे पिकनिक वगैरह कहीं जाना हो ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चलेंगे ना, कहाँ छुट्टी चल रहा है? बच्चों का छुट्टी चल रहा है। बच्चों के मामा का भैया छुट्टी कहाँ चल रहा है? सो गाइस कमेंट के बताइएगा पंछी का एड्रेस कैसा लग रहा है और इनकी नानी के भी है तो काफी प्यारा है। सो गाइस आज पंछी देखिए एकदम हवा में पैर है पंछी के। तुम वो पंछी कैसे पहने दी तुम अपना ड्रेस? वो धमकी मिल चुका है साइड में, मान नहीं तो अभी अंदर एक पटक के मारने लगेगी। अभी धमकी दी है, कपड़ी कटी हुई है और इन्वर्टर भी पूरा डिस्चार्ज है ऊपर का। और सब देखिए नीचे बैठ के सब अभी गप सड़ा के कर रहे हैं। और लाइट अभी तक तो आई नहीं है, रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है। बस ये है कि उमस नहीं है, बारिश की वजह से रूम ठंडा। तो गाइस अभी बस खाने पीने की बात चल रही थी और इन दोनों के शादी की बात चली तो भैया कह रहे हैं कि भैया ने भाभी की शादी में कुछ स्टार्टर वाटर कुछ खाया ही नहीं था। भाभी ऐसे बोला, मैं तो इसकी शादी में तो कुछ खाया ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? पड़ी थी सेम टाइम पड़ी थी बट दुल्हन और दूल्हा अलग था। बारिश हो रही है तो गाइस चिलबुल आ गया अपना, कुछ करके दिखाएगा क्योंकि लाइट तो है नहीं और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो चुका है। तो बाहर ही सब आ चुके हैं। पावर दिखाएगा, कौन सा पावर दिखाएगा पंछी? और बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। सब देखिए भाग के अंदर कुछ लोग बचे हैं, अभी हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हुआ है और लाइट भी नहीं है, अब सोने में बड़ा दिक्कत होगा। सुप्रिया सुप्रिया सेम से लाइट तो आई नहीं है, नीचे का इन्वर्टर बचा हुआ है, कुछ चार्जिंग है अभी भी बीप देने लगा है। ऊपर का तो इन्वर्टर डिस्चार्ज हो चुका है। तो गाइस नीचे के भी इन्वर्टर जा चुकी है डिस्चार्ज। दो मिनट पहले ही मैंने तारीफ किया था और नहीं बीप दे रहा था, मैंने बोला था बीप दे रहा था। तो रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है जैसा देख चुके हैं, सब अंधेरे में बैठे हुए हैं अभी। बीप दे रहा था, आप लाइट जला रहे तो कैसे पता चलेगा अंधेरा है? नहीं लाइट नहीं जला ना, पंखा चला लाइट। तो चलिए दोस्तों, सो दोस्तों फाइनली बाय बाय और ब्लॉग करते हैं पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चैनल पहली बार आया हूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय। सो गाइस ब्लॉग करते हैं पेंट, लाइट जा चुकी है।